ग्रीस विच मापियां दा इकलौता पुत्तर दी जहरीले जानवर दे डस लैण नाल होई मौत। माचीवाड़ा साहिब दे पिंड झुंगियां दे निवासी दलीप सिंह दा इकलौता पुत्तर अरुणदीप सिंह जो कि ग्रीस विखे रोजगार लई गया सी उत्थे उस दी मौत हो गई। ग्रीस विखे खेतां विच काम कर रहा सी कि अचानक उस नूं किसे जहरीले जानवर ने डस लिया। प्राप्त जानकारी अनुसार अरुणदीप सिंह अपने मापियां दा इकलौता पुत्तर सी जो चंगे भविख लई ग्रीस विखे रोजगार लई गया सी जिथे कि वह खेतों में काम करता सी। मृतक नौजवान के पिता और दादी ने दस्या है कि साडे पुत्र ग्रीस विखे खेतों में काम कर रहा सी कि अचानक उसनों किसी जहरीले जानवर ने डस लिया जिस दे नाल उसकी मौत हो गई। बस जी बेटा 2 साल पहला विदेश गया जी ग्रीस। हाँ जी उसे अपना रोजी रोटी वास्ते गया जी उन्हें कम कर रहे थे जिमें डॉक्टर मुताबक उसे कम करते समय कोई जहरीली चीज ने कट लिया तो वो भी ये इनफेक्शन फैल गई शरीर। पता लग गया जी डेड बॉडी कितना डेड बॉडी चार थी चार कल है कल डेड बॉडी मंगाने से भी कोई खर्चा आया जी थोड़ा? हाँ जी जो भी मेरे बहन ने किया जी। अच्छा यानी कि सरकार को कुछ मदद मिली है थोड़ी? नहीं सर नहीं। की अपील करनी चाहते हो तुम जी? अजय अपील तो यही है जी बच्चे जेड़े मान लो परहेज रखते बाहर जाने का जी बस अपना रोजी रोटी उरे कमाण जी। की नाम है जी? सर जी मेरा राम सूर नाम है। केड़े पिंड तों है? इत्थे बुरज कच्चे तों जी। ते जेड़े बैठे थे मुंडे ते कोई लड़के दी नौजवान दी थोड़ा की लगदा जी? मेरा भतीजा जी। की नाम सी जी ओहदा? तनजीत। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ? ਉਹਨੂੰ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਗ੍ਰੀਸ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ।